डेब्यू में जिसने कमाल किया है वो है मावी साहब, और मावी साहब ने जनाब चार विकेटें ली है 22 रन देके ऑन डेब्यू। व्हाट अ डेब्यू इट इज, विकेट्स एंड विकेट्स। और देखे बॉल टू बॉल चल रहे थे, शनाका जिस तरह मार रहा था, उमरान मलिक 155, और जो यॉर्कर मारे हैं उसने आज उमरान मलिक की जो 155 की बॉल थी उसने तो कमाल ही कर दिया। और अगर आप बात करें सामने शनाका को आउट किया वो कुछ अलग ही हाइप पकड़ गया। देखो आज शिवा मावी और उमरान मलिक ने मिल मिला के 6 विकेट शेयर किए हैं। रूम में जब आया था यही मेरा कहना था, तेज है, रॉ है, वक्त के साथ सीखेगा। आज उस लड़के ने फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग करी है, फास्ट फ्यूरियस बॉलिंग करके उसने जो है 2 विकेटें छटकाई और बड़ी मेन क्रूशियल विकेटें ली उसने, जिस जहां पर धनुष का जो 20 फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो एक तरह से एक नए दौर का आगाज हो गया है। और सबसे खुश आइन बात यह थी कि आज 2 यंग पेस बॉलर्स ने, शिवम मावी जो आज डेब्यू कर रहे थे और उसके साथ जो है फिर उमरान मलिक, इन्होंने जिस तरह से आज बॉलिंग की दोनों यंगस्टर्स ने और 6 विकेट ली दोनों ने मिलकर इस मैच में, इनका बहुत बड़ा किरदार था कि इंडिया। और मुझे ना इंडियन टीम से जेलेसी होने लगी। जेलेसी की वजह मैं बता देता हूँ आपको, क्या वजह मैं अभी बता देता हूँ। वो वजह ये है कि मतलब कि हम अपने घर के अंदर हारे जा रहे हैं, और मैं देख के जिसको कहते हैं ना, मुझे हैरानी होती है कि इंडिया अपने घर में हारता ही नहीं है, हारता ही नहीं है। जब हारने वाला होता है तब भी जी। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके भाई का चैनल करली मीडिया लेटेस्ट इंडिया। दोस्तों बात करें तो कल इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला गया पहला T20, जो कि इंडिया ने 2 रनों से जीत लिया। और क्या लाजवाब किस्म की शिवम मावी ने बॉलिंग की, और साथ में उमरान मलिक ने भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, और दोनों ने मिलकर श्रीलंका की टीम को 2 रनों से हार थमा दी। और लास्ट में जो अक्षर पटेल ने जो ओवर किया वो ओवर भी लाजवाब था, और उमरान मलिक ने 155 की स्पीड से डाली बॉल, जिसे देख पाक मीडिया में तहलका मच गया है। पाक मीडिया उमरान मलिक की 155 से डाली गई बॉल का दीवाना हो गया है, और शिवम मावी का टीम डेब्यू देख पाक मीडिया से तारीफ हो रही जा रही है। तो देखिए आप इस वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में, तब तक के लिए जय हिंद। और काफी फ्रस्ट्रेटेड है जनाब करुणा रत्रे, लेकिन अच्छी एफर्ट किया उसने भी। खैर एक बंदा जिसका नाम आज डेब्यू में जिसने कमाल किया है वो है मावी साहब, और मावी साहब ने जनाब 4 विकेटें ली है 22 रन देके ऑन डेब्यू। व्हाट अ डेब्यू इट इज। 2 बंदों का डेब्यू था गिल का और उसका, लेकिन उस बहुत ही शानदार किस्म के, आपसे पहले भी कहा था ये टोटल जो है ये डिफेंड होगा तो बड़ी मतलब विकेटें लेते लेते करते कराते करीब जाके ये होगा, क्योंकि टोटल पे आपकी जो बॉलिंग है वो अच्छी और तगड़ी होनी चाहिए थी। और मावी ने जिस तरह विकेटें ली है ग्रेट ग्रेट ग्रेट, और जिस तरह पहले विकेट चौके विकेट पहले 2 ओवरों में 2 विकेटें ली है, और फिर जब जब टीम को जरूरत थी दूसरे स्पेल में भी आया और आके विकेटें लेके दिए, अमेजिंग। और पांड्या ही वॉज गुड आखिरी ओवर, काफी दोस्त सोच रहे होंगे क्यों नहीं करवाया विकेट एक राउंड में। हाँ भाई लिख रहे विकेट्स विकेट्स एंड विकेट्स। और देखे बॉल टू बॉल चल रहे थे, शनाका जिस तरह मार रहा था, उमरान मलिक 155, और जो यॉर्कर मारे हैं उसने आज एक दफा उसने धमाका कर दिया 155 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जब वो आएगा। और देखिए उसकी बॉलिंग में अब आपको नजर आना शुरू हो गया है, ही इज यूजिंग पेस, ही इज यूजिंग वेरिएशन, ही इज यूजिंग यॉर्कर्स, कमाल की बॉलिंग किया। लेकिन भाईजान 3 चीजें जो इस मैच से आपने सीखनी है, एक तो आप गैर जरूरी विकटें दे देते हैं वो तो बाद में, बॉलिंग हर्षल पटेल एक ओवर में अगर आखिर इमरान मलिक चाहे हो आपके शिवम मावी, दोनों ने क्या कमाल किस्म की और खूबसूरत कमाल धमाल जो है बॉलिंग की है श्रीलंका के अगेंस्ट। उमरान मलिक की जो 155 की बॉल थी उसने तो कमाल ही कर दिया। और अगर आप बात करें ड्रीम डेब्यू जो है वो राश मावी का, तो बात करेंगे सब किस्म की जो है बॉलिंग देखने को मिली है इन दोनों की जानिब से, उमरान मलिक और शिवम मावी की जानिब से। लेकिन दाऊद जो उमरान मलिक का 155 वाला बॉल था जिस पर उन्होंने शनाका को आउट किया वो कुछ अलग ही हाइप पकड़ गया। देखो आज शिवम मावी और उमरान मलिक ने मिल मिला के 6 विकेट शेयर किए हैं, और दोनों ने ये बात भी साबित कर दी है कहीं ना कहीं कि भारत की जो फास्ट बॉलिंग अटैक और यंग बॉलिंग अटैक है, अगर आप राइट बंदे को चूज करोगे और राइट बंदे को डेब्यू कराओगे तो करके दिखाएगा। ये आज बात मावी ने भी साबित कर दी, और क्या डेब्यू किया उसने, और मैं क्रेडिट दूंगा इसको हार्दिक पांड्या को जाते हैं 100%। आज अगर आप विराट की बात करते हो, अगर आज आप रोहित शर्मा की बात करते हो कि इंडिया के बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, तो इसमें आपको नहीं बोलना चाहिए कि MS धोनी का किरदार है दोनों को बनाने में।
तो वहीं पर अगर आप हार्दिक जैसा कप्तान आ गया टीम इंडिया के पास, तो मुझे लग रहा है कि आप और सितारे मिलेंगे। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या नई टीम को लेकर चल रहे हैं, शिवम मावी को कॉन्फिडेंस दिया, आज बड़े आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की, यशदीप को बाहर बिठाया उसने, फिर आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन उमरान मलिक को पहले बोल कराना, और वानखेड़े स्टेडियम में इतना कम स्कोर डिफेंड करना आसान काम नहीं है। इवन दो इंडिया का आज बल्ले के साथ दिन अच्छा नहीं किया है, मुझे तो ये बताइए कि अब जो इंडिया के बॉलर आ रहे हैं क्या वजह है? पहले तो बात थी कि इंडिया के पास बॉलर ही अच्छे नहीं आ रहे थे। मावी ड्रीम डेब्यू, पहले मैच में 4 विकेट। नहीं वाकई जिस तरह का इन्होंने कमाल सुपर डुपर किस्म का जो मावी ने आज डेब्यू किया है, तो ये साबित कर दिया कि इंडिया के पास जो यंग बॉलर्स की लॉट है वो किसी से कम नहीं है। जब उनको चांस मिलेगा तो वो करके दिखाएंगे। काफी लंबे अरसे से इनकी बात हो रही थी शिवम मावी मलिक ने, देखे उमरान मलिक शुरू में जब आया था यही मेरा कहना था, तेज है, रॉ है, वक्त के साथ सीखेगा। आज उस लड़के ने फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग करी है, फास्ट फ्यूरियस बॉलिंग करके उसने जो है 2 विकेटें छटकाई और बड़ी मेन क्रूशल विकेटें ली उसने, जिस जहां पर धनुष का जो उनके कप्तान है शना का, जिस तरह बैटिंग कर रहा था 2022 में, याद होगा कि धर्मशाला के अंदर उसने 74 रन की इनिंग खेली थी, और आज जिस तरह बैटिंग कर रहा था, लो स्कोर था इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप, निशांका का जो बोल मारा अपने ड्रीम डेब्यू के अंदर, देखा आपको अर्ली ऑन जब विकेट मिलती है, विकेट का खाता खुल जाता है ना, देन यू जस्ट फ्लरिश और आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। T20 के अंदर पहली ओवर में आपको विकेटें मिल जाए और आप इस तरह का बॉल करें और जो बोल्ड हो जाए, वहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है दोबाला हो जाता है, और वही कॉन्फिडेंस के साथ बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था शिवम मावी। ऐसा नहीं लग रहा था कि डेब्यू गेम है, सीरियसली ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो डेब्यू मैच खेल रहा है, क्योंकि आप देखिए प्रिपेयर कर देती। एक IPL की क्या खासियत है कि आप प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को प्रिपेयर कर लेती है इंटरनेशनल अरीना के लिए, तो वो रेडी था। वेन एवर ही वॉज जस्ट नॉकिंग ऑन द डोर्स कि भाई कब मुझे मौका मिले। T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो एक तरह से एक नए दौर का आगाज हो गया है, और सबसे खुश आइन बात यह थी कि आज दो यंग पेस बॉलर्स ने, आप शिवम मावी जो आज डेब्यू कर रहे थे और उसके साथ जो है फिर उमरान मलिक, इन्होंने जिस तरह से आज बॉलिंग की दोनों यंगस्टर्स ने और 6 विकेटें ली दोनों ने मिलके इस मैच में, इनका बहुत बड़ा किरदार था कि इंडिया जो है ये 2 रन से जो आज श्रीलंका से पहला T20 मैच जीता वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। एंड दे बोल्ड एक्सेप्शनली वेल, खास करके शिवम मावी, यानी कि डेब्यू मैच उसका, और 4 विकेटें ले गया वो 22 पे, और बड़ी इंपॉर्टेंट वो विकेट्स ले गया। शुरू में भी 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स ने पावर प्ले में लिए, और उसके बाद जब वो सेकंड स्पेल के लिए आया तो वो ऐसे वक्त में आके उसने 1 ओवर करा के 3 रन दे के विकेट ली कि जबकि श्रीलंका का मोमेंटम बना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका जो है 163 का टारगेट कर लेगी। लेकिन अब आई थॉट के द यंगस्टर्स बोल्ड वेरी वेल। हर्षल पटेल नर्वस, यू नो, उसको दो क्या कुशल मंडेस ने शॉट्स खेले हैं, सुपर शॉट, दोनों दो चौके मारे। उसके बाद उसने आगे जिस तरह बोल्ड किया निशंका को, जबरदस्त बॉल अंदर आती हुई, और देन द रेस्ट ऑफ हिज 3 ओवर्स ही रियली बोल्ड वेल। और मुझे ना इंडियन टीम से जेलसी होने लगी। जेलसी की वजह मैं बता देता हूँ आपको, क्या वजह मैं अभी बता देता हूँ। वो वजह ये है कि मतलब कि हम अपने घर के अंदर हारे जा रहे हैं, और मैं देख के जिसको कहते हैं ना, मुझे हैरानी होती है कि इंडिया अपने घर में हारता ही नहीं है। जब हारने वाला होता है तब भी जीत जाता है। आज श्रीलंका के हाथ में मैच आ गया हुआ था, जो उनके कैप्टन ने इनिंग्स खेली, उसके अलावा जब हसन अंगा और उसकी पार्टनरशिप लगी थी तो मुझे लग रहा था कि मैच ले जाएंगे, लेकिन उसके बाद हसन अंगा तो आउट हो गए। शिवम मावी क्या जबरदस्त किस्म का बॉलर, कहां से निकला, कैसे आया है, इसके बारे में जरूर मुझे डिटेल बताइएगा कि कहां का लड़का है ये, क्योंकि मैंने इसको दूसरी दफा मरतबा खेलते हुए देखा हुआ है। तो क्या जबरदस्त किस्म का लड़का है, क्या बॉल करते हैं, आते साथ उसने विकेटें निकाली है, उसके बाद जब पार्टनरशिप लगी तब भी आके हसन अंगा को वही आउट कर गया। तो मतलब कि हैरानी मुझे, इंडिया जीता तो सही मैच, लेकिन इंडिया के तो बॉलर्स खेल ही नहीं रहे थे। अर्शदीप सिंह भी नहीं खेल रहा था। इवन की अगर बॉलिंग की बात करें, हमें पता है बॉलिंग इनकी न्यू थी, सारे जिसको कहते हैं नहीं लगाता हूं। इंडिया को जितवाने वाला आज शिवम मावी, जो उसने आते साथ निशंका को आउट किया, उसके अलावा जो उसकी किलिया उड़ाई थी, उसके बाद एक और उसने विकेट निकाली, उसके बाद जो उसने मेन पॉइंट पे आके हसन अंगा को आउट किया ना, वो था टर्निंग पॉइंट। अगर वहां पे हसन अंगा ना आउट होते तो इंडिया जिसको कहते हैं मैच इंडिया के हाथ से निकल गया हुआ था। और मैं ये देख रहा हूँ कि हार्दिक, और जिस तरह से दोस्तों हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे हैं, जैसे MS धोनी कप्तानी करते थे वैसे ही कप्तानी हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। और हार्दिक पांड्या को अगर T20 का भारत की टीम का कप्तान बना दिया जाए तो वो लगता है कि हमें वर्ल्ड कप या फिर कोई भी जो इवेंट होता है हमारी दूसरी जिसके साथ सीरीज होती है वो जितवा सकते हैं। हार्दिक पांड्या जैसे कुमोल काम होकर बॉलिंग करवाते हैं बॉलरों से, और खुद भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, और
अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से इंडिया को कई बार उन्होंने जीत दिलाई है। और शिवम मावी ने जो अपना ड्रीम डेब्यू किया, 4 विकेट ली 22 रन देकर, वो भी भूलना नहीं चाहिए। और साथ में उमरान मलिक ने भी 2 विकेट ली और जो दुशम सनाका जो श्रीलंका के कप्तान है उनको आउट किया। वो गेंद भी 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई गेंद थी। और बात करें तो अक्षर पटेल, पटेल बहु गुजरात के पटेल अक्षर पटेल ने लास्ट में जो ओवर डाला और दो जो अक्षर पटेल ने डॉट बॉले डाली, जिसको श्रीलंकाई बैट्समैन को लग रहा था कि वाइट है, लेकिन वो वाइट नहीं थी, वो लीगल डिलीवरी थी। और अक्षर पटेल ने बहुत ही चालाकी से वो दोनों बॉल डाली और दोनों बॉल डॉट करवा दी। और साथ में अक्षर पटेल ने बहुत अच्छे रन भी बनाए थे इंडिया के लिए। वो पहली इनिंग में अक्षर पटेल और दीपक हुडा ने मिलकर इंडिया को अच्छी पोजीशन पे 162 रनों पे ला दिया। और उसी की बदौलत इंडिया की बॉलिंग ने भारत को यह मैच जितवाया और श्रीलंका को पहली हार थमा दी 2023 की। और भारत ने 2023 में अपनी जीत का सिलसिला शुरू कर दिया है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।